सारी आप यहाँ पे जो महाभाग मेरे सामने बैठे हुए हैं आप सब इस रोल को अदा करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जिंदगी का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी जिंदगी का, उसके लिए आपका योगदान सबसे ज्यादा होता है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं इसके लिए। वो सब एक माता काम नहीं करती। आज हम मान लीजिए कि न्यूट्रिशन के इसमें काम करते हैं, कल जाके और 4 सालों के बाद में 5 सालों के बाद में हमारे सामने कोई और प्रॉब्लम, तो ये ICDS का और अगर इमोशनली मुझ पे बहुत असर हुआ, तो मुझे लगता है लोगों पे भी बहुत असर हुआ होगा। आज हमने एक अवेयरनेस रखा था कैंप, इसमें हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर जो थे उन्होंने एज चीफ गेस्ट वो हमारे पास आए, और हमारी सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स थी यहाँ पे, हमारी सुपरवाइजर्स थी यहाँ पे, और यहाँ पे वो माँ बाप थे जिनकी बच्चियों को हमने पिंक कार्ड दिए। पिंक कार्ड ऐसे कार्ड थे जो प्रायोरिटी कार्ड थे, जिन घरों में सिर्फ बच्चियाँ हैं तो उनको ये प्रायोरिटी कार्ड दिए गए। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हम इंशाल्लाह आगे भी करवाएंगे और इसका असर भी लोगों पे बहुत होगा। पहले भी ICDS इन नाटकों के ज़रिए लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने की हमने कोशिश की, जैसे हमारे पास पोषण अभियान स्कीम है, PMAY स्कीम है, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, तो हम इससे पहले मोहर में हमने बहुत सारे इस तरह के नाटक किए, नुक्कड़ नाटक किए, हमने अरनास में बहुत सारे नुक्कड़ नाटक किए, अब हमने रियासी को लिया है इसके लिए, हम इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स करवाएंगे। महीनों से हमारे पास में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ICDS डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए गए हैं, उसमें से एक अवेयरनेस प्रोग्राम आता था जिसमें जो है कुछ हमारी बच्चियों को मैं कहूँगा सौभाग्यशील बच्चियों को पिंक कार्ड्स बांटने का काम यहाँ पे किया है, जिसमें ये प्रायोरिटी कार्ड्स होंगे। इनको जो है विविध गवर्नमेंट सर्विसेज जो है जैसे लाइसेंसेस लेना है या फिर राशन कार्ड में अपना लगवाना है या फिर इलेक्शन ID में अपना कार्ड लगाना, तो उसमें प्रायोरिटी उनको मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें बच्चियों को एक इम्पॉर्टेंस होने का थोड़ा सा फील इसमें मिलेगा, एंड दे विल नो दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सोसाइटी। मैं समझता हूँ कि बाकी भी जो है बच्चों को और है कि आज जो यहाँ पे था सारे हमारे तकरीबन 400-450 के आसपास आंगनबाड़ी वर्कर्स जो हमारी थी वो यहाँ पे इस नाटक प्रस्तुति में मौजूद थी, वो खुद एक मुझे लगता है कि एक मास्टर अवेयरनेस जनरेटर या फिर मास्टर प्रोग्रामर की तहत अपने अपने गांव में जाके काम करेंगे और इन प्रोग्राम से वो प्रेरणा लेंगे और फिर जिलों के बाकी हिस्सों में जाके वो अपने अपने जो है प्रोग्राम से।